हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज मैं आया हूँ फिरोज़ शाह तुगलक के मकबरे के पास। तो दोस्तों, जो फिरोज़ शाह तुगलक थे, उनका जो मकबरा है हौज खास फोर्ट, जो हौज खास पड़ रहा है दोस्तों, हौज खास काफ़ी एक ऐतिहासिक प्लेस है दोस्तों, जो कि काफ़ी बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे हौज खास फोर्ट के बारे में सुने होंगे आप लोग। उसी फोर्ट के अंदर दोस्तों एक फिरोज़ शाह तुगलक, उनका एक मकबरा है, और ये हमारे सामने मकबरा रहा, यहीं पे चलेंगे, आप सभी को दिखाऊंगा दोस्तों। ये मकबरा जो है काफ़ी उसी समय का बना हुआ है और काफ़ी शानदार है, और आप सभी को चल के दिखाऊंगा मैं वहाँ पे। तो दोस्तों बता दें, फिरोज़ शाह तुगलक जो है, उनकी मृत्यु जो हुई थी 1388 में हुई थी दोस्तों। तो उनकी मृत्यु 1388 में हुई थी, और तो फिरोज़ शाह तुगलक जो थे, उन्होंने मकबरा जो है, उन्होंने जो मकबरा है दोस्तों, वो जो है 1350 के करीब में बनवाना चालू किया था। 1350 और मकबरा और मदरसा दोनों साथ में ही उन्होंने 1350 के उन्होंने बनवाया था। तो चलेंगे, आप सभी को दिखाऊंगा, काफ़ी बढ़िया प्लेस है ये, और आप सब आइए यहाँ पे, अगर आने जाते हो तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, और चल के दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे आने के लिए आपको टिकट 20 रुपये एक ऑफलाइन दोस्तों, ऑनलाइन ऑफलाइन 20 रुपये का एक व्यक्ति का टिकट है, तो आप सब यहाँ पे आ सकते हो। और दोस्तों आप सभी को बताएं इसके बारे में, और काफ़ी शानदार एक किला है, और ये मकबरा जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, आप सभी को चल के मैं दिखाता हूँ दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना, और लाइक कमेंट करके ज़रूर जाना दोस्तों, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक जगह पे आप सभी के लिए मैं लाता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो ये जो मकबरा है, आप सभी को फिरोज़ शाह का मकबरा पे ले चल रहा हूँ आप सभी को, और बहुत ही खूबसूरत सा ये मकबरा है दोस्तों, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का जो फोर्ट है हौज खास में, उसी के अंदर ये मकबरा बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इसके इतिहास के बारे में आप सभी को बताऊंगा। एक गेट देख सकते हो, एक गेट इधर से पड़ेगा जो कि यहाँ से नहीं खुलेगा, तो अभी उस साइड से ले चलूँगा जहाँ इसका मेन द्वार है, वहाँ से आप सभी को इसके अंदर दोस्तों ले चलेंगे हम। तो दोस्तों आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूं मैं। और देखिए गुंबद दोस्तों इधर है, और चल के दिखाता हूं आप सभी को। तो अब मकबरा, फिरोज शाह का मकबरा दोस्तों, फिरोज शाह काफ़ी जो है वो फेमस आदमी थे वो, और फिरोज शाह का जो मकबरा है हमारे सामने रहा दोस्तों। देख सकते हो इसके गुंबद और इसकी जो गेट है वो काफ़ी शानदार है, और चलेंगे आप सभी को इसके अंदर आप सभी को लेके, और देखिएगा इसकी जो बाउंड्री है वो काफ़ी बेहद ही खूबसूरत सी है दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ये सीढ़ियाँ देख सकते हो, और इसी के अंदर से अभी चल के हम विजिट कर रहे हैं इसके अंदर। हम दोस्तों आ चुके हैं फिरोज शाह के मकबरे के सामने, और अंदर अभी चलेंगे। तो दोस्तों फिरोज शाह का मकबरा यही है, आप सब देख सकते हो कितनी बेहद ही खूबसूरत सा मकबरा है। यहाँ पे ये फूलों की जो डिजाइनिंग बनी हुई है, यहाँ पे भी कुछ लिखा गया है दोस्तों, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ लिखा है दोस्तों। एक कब्रों की बात करें, यहाँ पे 4 कब्रें हैं, तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों, पूरी तरह तो प्रमाणित नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है फिरोज शाह की कब्र और उनके पोते बेटे उन लोगों की कब्र है। तो इधर देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, कुछ आयतें हैं, शायद कुरान की कुछ आयतें लिखी गई हैं यहाँ पे, तो आप सब पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितनी डिजाइनें बनी हुई हैं ना सर, और वो जो है डिजाइन दो है दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ लिखा गया है दोस्तों, जो कि अरबी या उर्दू शब्द में लिखा गया है, आप सब पढ़ सकते हो। तो ये जो डिजाइन बना हुआ है दोस्तों, ये सब लिखा हुआ है देख सकते हो, कुछ अवशेष इसके डैमेज हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और कुछ जो हिस्से बचे हुए हैं उसमें यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों एक सीढ़ी भी है जो बाहर की तरफ निकालती है, पतला सा गुफा, उसको भी दिखाऊंगा। एक देख सकते हो पतला सा बना हुआ है जो बाहर के साइड हमें निकालती है, लेकिन दोस्तों इस वक्त जो है, इस वक्त वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं, और इस वजह से बंद कर दिया गया है कि कोई इस पार से उस पार ना आए, तो बाहर से आप सभी को देखना है यहाँ पे। तो दोस्तों आप सब देख सकते हो कितना बेहद खूबसूरत सा इनका मकबरा है जो
यहाँ पे और उनके परिवार की यहाँ पे कब्रें हैं। एक इधर भी है दोस्तों, जो कि उसी की तरह सेम बना हुआ है, इधर भी बंद कर दिया गया है, एक लोहे का गेट लगा दिया गया है। तो आप अगर उस साइड जाना चाहते हो ना, तो बाहर से होके जाना पड़ेगा, अंदर से आप सब कहीं नहीं जा सकते दोस्तों।